नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विजेंद्र फार्मिंग में। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेम में लगने वाले कीटों के बारे में और उन रोगों का सही इलाज व उन्हें जड़ से ख़त्म करने के तरीके के बारे में। तो किसान भाइयों, सेम की फसल में कई तरह के कीटों का प्रकोप होता है, जैसे कि काला माहू, लीफ माइनर, फली छेदक और भी कई अनेक प्रकार के रोग हमारी फसल में पाए जाते हैं। लेकिन हमारी फसल को ये तीनों रोग ही ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं, काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं रोगों के बारे में बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो में जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाली घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर ले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काला माहू के बारे में। तो यह माहू कीट हमारी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। यह सेम की फसल में जो फूल व फलियां आते हैं, यह उन पर अपना डेरा जमा लेते हैं और उनका रस चूस लेते हैं, जिससे फलियां नहीं बन पाती हैं, जिससे पैदावार पर असर पड़ता है और इससे फसल की ग्रोथ भी रुक जाती है। यदि इसको समय पर इलाज नहीं किया गया यदि इसका समय पर इलाज नहीं किया जाए तो हमारी फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। तो बात करते हैं लीफ माइनर के बारे में। यह कीट हमारी फसल की पत्तियों में छेद बनाता है या फिर हमारी पत्तियों को खा जाता है। यह पत्तियों के हरे भाग को खाकर उनको पूरी तरह ख़त्म कर देता है। उनके प्रकोप से पत्तियाँ मुरझाकर गिर जाती हैं, जिससे हमारी फसल में सही तरीके से फल और फूल नहीं लग पाते हैं। इनका ज़्यादा प्रकोप होने पर पूरी की पूरी फसल सूखकर ख़त्म हो जाती है। तो अब बात करते हैं फली छेदक कीट के बारे में। तो यह कीट शुरुआत में फूल पर होते हैं, जो आगे चलकर सभी फूलों पर फैल जाते हैं और बाद में ये जो फूलों से फलियां बनती हैं उनमें छेद करके अंदर की तरफ से खाते हैं, जिससे फलियाँ पूरी तरह ख़राब हो जाती हैं और इससे हमारी पैदावार पर काफ़ी असर पड़ता है। तो अब इन रोगों की रोकथाम कैसे करें उनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको दो दवाई ऐसी बताने जा रहा हूँ जिसको प्रयोग से आपको बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं मैं इन्हीं दो दवाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यदि आप की फसल में इन कीटों का प्रकोप कम है तो आप सुपर किलर 25 का प्रयोग करें और इसका सॉल्ट नेम है साइपरमेथ्रिन 25% EC, क्योंकि ये दवा आपको आसानी से मार्केट में मिल जाती है और यह दवा आपको कम कीमत में मिल जाएगी। इसकी कीमत लगभग 400 से 500 रुपये के बीच में होती है और यह काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देती है और यह 100 ml की होती है। और इसके डोज की हम बात करें तो इसका 15 ml प्रति टंकी की दर से होता है और टंकी 15 लीटर की होनी चाहिए। यदि आपकी फसल में बहुत ही ज़्यादा कीट लगा हुआ है, इतना ज़्यादा कि फसल ख़राब होने को जा रही है, तो ही आप इस दवा का प्रयोग करें, क्योंकि यह बहुत ही हैवी डोज है और इस दवा का नाम है डेलीगेट, जो काफ़ी महंगी भी होती है। इसका सोल्ट नेम है स्पाइनेटॉर्म 11.7% SC में होता है। तो आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, इससे काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। इस दवा को आप कोई भी फसल में जिसमें तना छेदक व फल छेदक में प्रयोग भी कर सकते हैं। और इसके डोज की हम बात करें तो 10 ml प्रति टंकी की दर से मिलाकर छिड़काव करें। और इसकी कीमत की बात करें तो यह करीब 1300 रुपये के आसपास मिलती है। और यह जानकारी यदि आपको, मैं आशा करता हूँ यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।